दोस्तों, मैं हूं कुंदन किशोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मस्ती विद टेक। आज फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, MIUI के एक नए फीचर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में पावर की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या, हर कोई इससे जूझ रहा है। हर कोई अपना चार्जर कहीं निकलता है घर से तो अपना चार्जर साथ लेना नहीं भूलता है। कुछ भी उसे याद रहे या नहीं रहे, चार्जर लेके ही चलता है, चार्जर लेना नहीं भूलता है। इसका मेन कारण है कि इसमें बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म होती है और बैटरी की समस्या का सभी लोगों को डराए रहती है। आपका अगर मोबाइल फ़ोन नया है, आपने नया ही ख़रीदा है, तब तो आप कुछ दिनों तक राहत में हैं, आपको किसी तरीका का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। कुछ हद तक आप सिक्योर हैं, कुछ हद तक ही, क्योंकि पहले वाले नोकिया फ़ोन्स की तरह इसका बैटरी बैकअप आपको 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन नहीं देने वाला। आपका नया फ़ोन भी है तो मैक्सिमम बहुत अच्छा है तो 2 दिन तक आपका दे सकता है, वो भी अगर आप लिमिटेड यूज करते हैं तो। अगर आप इंटरनेट पे ज़्यादा एक्सेस करते इधर उधर करते हैं तो 12-14 घंटा होते होते आपका बैटरी जो है ख़त्म होना ही है। और अगर पुराना हो गया आपका फ़ोन, कहीं 1-8 साल पुराना, 1 साल अगर पूरा हो चुका है तब तो कहिए ही नहीं। उसमें आपका हो सकता है ऐसा भी कंडीशन हो कि हर 4 से 5 घंटे बाद आपको चार्ज करना पड़ता हो। तो ऐसे में MIUI जो कि Xiaomi के फ़ोन्स में आपको रोम है, मिलता है स्टॉक रोम, उसके अंदर एक फीचर है स्लीप मोड का। इसको अगर आप ऑन कर देते हैं तो जब कभी आप मोबाइल को नहीं यूज कर रहे हो, मोबाइल रखा हुआ हो, किसी तरीका का उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो, तो मोबाइल को लगता है कि आप सो रहे हैं और वो भी अपनी सारी एक्टिविटी को बंद कर देता है। यहाँ तक कि आपका नोटिफिकेशन लाइट्स को भी ऑफ कर देता है, किसी तरीका का नोटिफिकेशन आने पर उसका स्क्रीन को ऑन नहीं करता है। तो इस तरीका से वो काफ़ी हद तक बैटरी को सेव करने में सहायक होता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बता रहे हैं कि आप अपने मोबाइल में बैटरी के स्लीप मोड को कैसे एक्टिवेट करते हैं। स्लीप मोड को एक्टिवेट करने के लिए जो है, सबसे पहले हम सेटिंग में जाते हैं। ये सेटिंग जो है, सेटिंग में जाने के बाद इसमें हम नीचे की तरफ आते हैं। नीचे आते हैं तो ये देखिए, सिस्टम एवं डिवाइस में आपका एक बैटरी ऑप्शन है। यही ऑप्शन जो पुराने वाला जो MIUI 8 या इस तरीका के है उसमें या बैटरी एवं परफॉर्मेंस भी लिखा हुआ होता है, तो इसी में बैटरी वाले ऑप्शन में आपको जाना है। बैटरी वाले ऑप्शन में जाइएगा तो ऊपर पावर है, नीचे मैनेज ऐप बैटरी यूजेज है। दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में ही काम की चीज़ें हैं। पावर में आपको पावर सेविंग वगैरह कई तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आपको देख लीजिए, बैटरी सेवर हो गया, बैटरी यूज हो गया, ऐप बैटरी सेवर हो गया, हर का अपना अपना फंक्शन यूज है। तो इसे वापस आ जाते हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन जो है मैनेज ऐप बैटरी यूजेज, इसके अंदर जाते हैं। मैनेज ऐप्स बैटरी यूजेज में जब आप जाते हैं तो इसमें ऊपर तो है आपका यूज ऐप्स, ठीक है, जो बैकग्राउंड में आपको रन करेगा नहीं रन करेगा इसे भी आप चूज करके, ठीक है, आप अपना बैटरी बचा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐप्स जो है बैकग्राउंड में रन करते रहता है, तो इसमें आप चूज में जाइएगा तो यहाँ से आपका जो ये ऐप लिस्ट है, ये आपका बैटरी सेवर के कंडीशन में, जो बैटरी सेवर आप ऑन किए हुए उस कंडीशन में कौन सा ऐप रन करेगा, कौन सा नहीं रन करेगा, उसका ऑप्शन है ये। तो हम इसको भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सबसे लास्ट ऑप्शन जो है सीन्स का, हम इसी की बात कर रहे थे, इसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये सीन्स के अंदर जाते हैं, सीन्स के अंदर जाइएगा तो यहाँ आपको मिलेगा स्लीप मोड। ये है MIUI का एक विशेष फंक्शन जो कि इतना घुसा हुआ है, इतना है कि इसे आप हिडन फीचर भी कह सकते हैं। तो इसे आप ऑन कीजिएगा तो यहाँ जैसा कि लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है कि व्हेन यू MIUI डिटेक्ट्स डैट यू आर स्लीपिंग, इट विल क्लोज बैकग्राउंड ऐप, बैकग्राउंड ऐप जितने हैं सबको बंद कर देगा। रिस्ट्रिक्ट NFC तो कुछ लोग यूज करते हैं, वो ब्लूटूथ GPS, ब्लूटूथ भी जो है वो तो काम के टाइम है, लेकिन GPS बहुत समय हमेशा यूज करता है। मोबाइल डाटा, वाईफाई यूजेज, मोबाइल डाटा को भी बंद कर देगा, और लाइट जो भी है नोटिफिकेशन लाइट वगैरह भी बंद कर देगा। तो इसे हम ऑन कर देते हैं। ये ऑन कर लेने के बाद जब भी आपका मोबाइल यूज नहीं होता रहेगा तो ये आपको बैटरी को बहुत ही सुरक्षित रहेगा, सेफ रखेगा, बहुत हद तक आपको बचा के रखेगा। ज़्यादा तो नहीं, कम से कम आपको 15 से 20% तो जरूरी बचा लेगा। तो इसी तरीका के और भी फीचर्स जानते रहने के लिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।